बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट हिजाब की वीडियो, जिसके साथ हम नोज़ पीस भी बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है लेकिन आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट हिजाब बनाने के लिए बटर क्रैप का फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हैं। ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है और आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक नहीं है तो आप कोई भी ओल्ड दुपट्टा भी अपना यूज़ कर सकते हैं, शिफॉन का दुपट्टा भी ले सकते हैं। बस हमें 2 मीटर दुपट्टा या फिर इस तरह का फैब्रिक चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको इस फैब्रिक की विड्थ बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंचज़ है और इस विड्थ में से हम जो है कट करेंगे, यानी हमें जो है इसमें हिजाब और हमारे नोज़ पीस के लिए अलग से पीस कट करना होगा, क्योंकि ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा रहता है दुपट्टे के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पीस करेंगे, यानी एक हिस्से में हम जो है दुपट्टा यानी कि हिजाब बनाएंगे, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा उसके अंदर से हमें नोज़ पीस निकालना होगा। तो आप दुपट्टा जो है अपने हिसाब से चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम नोज़ पीस के लिए एक्स्ट्रा जो निकालेंगे वो रहेगा हमारा 13 इंच तक, और हम दुपट्टे के लिए 29 इंच पर यहाँ पर मार्क कर देंगे। हमें जो है तैयार में 28 इंच मिलेगा क्योंकि हम चारों तरफ से इसे फोल्ड भी करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्किंग करने के बाद में जो है फैब्रिक को पहले अलग कर देंगे। तो यहाँ से हमें फैब्रिक को अलग कर देना है। तो पहले हम हल्का सा यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं और ये जो फैब्रिक है आसानी से जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, हाथ से हम इसे फाड़ सकते हैं, बहुत आराम से ये अलग हो जाता है। तो इसे हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे 2 हिस्से में हमने इस फैब्रिक को कर दिया है। तो ये हमारा हिजाब वाला फैब्रिक हो गया है। इसमें हमें चारों तरफ से डबल फोल्ड करके बहुत ही बारीकी से सिलाई लगानी होगी, वो मैं आपको स्टिचिंग के वक्त में इंशाल्लाह बताऊंगी। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसके अंदर से हमें जो है हमारी नोज़ पीस तैयार करनी है और हमारा जो है फोरहेड के लिए स्ट्रिप इसके अंदर से ही हम निकालेंगे। तो नोज़ पीस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई ले लेते हैं, जिसकी लंबाई है 13 इंच। उसके बाद में इस तरह हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई में हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। तो 15 इंच मार्क करने के बाद यहीं से हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे पास डबल में फैब्रिक आ जाए। तो डबल में ये 30 इंच फैब्रिक हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह बराबर कर देंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया, अब हम इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। फिर अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हल्का सा हम कर्व निशान लगाएंगे, यानी हमें यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई देनी है। तो आप चाहें तो लंबे में भी रख के इसे कट कर सकते हैं, यानी अगर आप कॉर्नर से लेना चाहें तो आप 1 इंच तक मार्क करके यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं। तो हमने इसे जो है एक शेप दे दिया है। अब हम इस नोज़ पीस को जो है इस तरीके से खींच के एक हिस्सा इसका छोटा और एक हिस्सा बड़ा रखेंगे, तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो ये गैप रहेगा ये हम 4 इंच तक रख रहे हैं, आप चाहें तो 5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच में मार्क करेंगे, उसके बाद ये हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा रहेगा, यहीं से हम जो है निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने कट भी लगा दिया और निशान भी लगा दिया, यानी इस हिस्से पे हमें डोरी लगानी है या स्ट्रिप हमारी अटैच करनी है। उसके बाद में यहाँ से हमें फ़ोल्ड करना है। बस फोल्ड करने में आपको खास ध्यान रखना है, दोनों हिस्से पर जो फोल्डिंग है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, एक साथ में हम दोनों हिस्से की फोल्डिंग नहीं करेंगे। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इसके अंदर से पहले हम 2 स्ट्रिप निकाल देंगे। स्ट्रिप के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 2 इंच की चौड़ाई पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई आप जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 16 इंच रख रही हूँ, आप चाहें तो 20 इंच भी रख सकते हैं। 2 स्ट्रिप हमने कट कर ली है, तो इस स्ट्रिप को हम यहाँ साइड में रख देते हैं और ये हमारी नोज़ पीस है। तो ये हमारी 2 स्ट्रिप्स है, दोनों तरफ हम अटैच कर देंगे इसके अंदर। स्टिचिंग वक्त मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी सिलाई लगा के इस स्ट्रिप को पलट सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसी आपको स्ट्रिप पसंद है उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर बाद में हम इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से ये लगाने के बाद लगेगी। इसके बाद में इसे हम साइड में कर देते हैं और हम जो है इस बचे हुए फैब्रिक को लेंगे। तो इसके अंदर से मैंने एक स्ट्रिप कट की है जिसमें से हम फोरहेड की हमारी स्ट्रिप को रेडी करेंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 35 इंच मैंने ली है, आप चाहें तो 32 भी ले सकते हैं। जितनी स्ट्रिप आपको बांधने के लिए चाहिए उस हिसाब से आपको इसकी लंबाई रख लेनी है। उसके बाद में इस तरह फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर एक नॉच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम फोर फोल्ड करने के बाद में नॉच लगा देंगे और यहाँ पर हम निशान भी लगा देंगे। तो इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और फिर हम इस सेंटर को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और साइड से हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ साइड से भी हम सिलाई लगा के इसे पलट देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से
यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और बीच वाला हिस्सा हमें छोड़ देना है। अब बीच का हिस्सा कितना हम छोड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 इंच होना चाहिए, यानी टोटल हमारा जो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा रहेगा वो 12 इंच रहेगा, यानी सेंटर में हमारा 6 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर देंगे, यानी सिलाई हमें जो है यहाँ बीच में नहीं लगानी है, सिर्फ साइड साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो साइड में सिलाई लगाने के बाद बीच का हिस्सा हम खुला रखेंगे और इस बीच वाले हिस्से पर ही हमें अटैच करना है हमारे हिजाब को। तो उससे पहले हम यहाँ पे हल्का सा शेप दे देंगे हमारी फोरहेड की स्ट्रिप पे। यहाँ नीचे से हम 1/2 इंच तक मार्क करेंगे और हल्का सा यहाँ पे गोलाई दे देंगे, और ये जो हिस्सा रहेगा इसे हम कट करके अलग कर देंगे, यानी इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी स्ट्रिप है टाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है। इतना करने के बाद में हमें जो है इसमें साइड साइड में सिलाई लगानी है और बीच का हिस्सा हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारी इंस्टेंट हिजाब की जो है सारी कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं नोज पीस भी हमने कट कर लिया है और हमारा हिजाब जो कि यहाँ पे हमने साइड में रखा है, यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसमें साइड में सिलाई लगा देंगे। तो सारी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम स्टिचिंग करने चलते हैं। सबसे पहले हम नोज पीस रेडी करेंगे। तो इसके लिए जो हमने 2 स्ट्रिप कट करके रखी थी इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसे डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसे एक बार और फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। तो स्ट्रिप भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितनी चौड़ी आपको पसंद है। अगर आपको पतली पसंद है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको चौड़ी चाहिए तो आप डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के उसे टर्न करिए। तो इस तरह से जो है आपकी स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप पे सिलाई लगा दी है, दूसरी भी सेम हम उसी तरीके से सिलाई लगा के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारी देखिए दोनों स्ट्रिप रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी स्ट्रिप ये रेडी है। इसके बाद में हमारी जो ये नोज पीस है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो किस तरह लगानी है वो मैं बताऊँगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक हिस्से पे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी ये जो छोटा वाला हिस्सा था ऊपर का इसमें अंदर की तरफ, और फिर जो नीचे वाला हिस्सा इसमें भी नीचे की तरफ यानी अंदर की तरफ हम करेंगे। यानी हमें एक के ऊपर एक ये स्ट्रिप देखिए इस तरह से दिखाई देगी। अगर हम एक साथ में चारों तरफ जो इसमें सिलाई लगा देंगे तो हमारा जो एक हिस्सा है वो उल्टा दिखाई देगा, इसलिए हम यहाँ पे अलग अलग दोनों तरफ जो है वो उसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमें इसमें बहुत ही बारीकी सिलाई लगानी, जिस तरह कुर्ते वगैरह में बहुत ही बारीकी सिलाई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे सिंगल फोल्ड करेंगे, एकदम पतला सा फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई लगाएंगे पूरी गोलाई पर, यानी एक हिस्से की गोलाई पर यानी हाफ गोलाई पर। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। डबल अगर एक साथ में हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये कर्व हमने शेप दे के कट किया है, तो इसके अंदर जो है वो बिल्कुल कपड़ा नीचे से गोल गोल हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें फिनिशिंग लाने के लिए सबसे पहले हम सिंगल सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक हमने मार्किंग की है स्ट्रिप लगाने के लिए वहीं तक हमने सिलाई लगाई है। इसे डबल फोल्ड करें और फिर दोबारा से किनारी पर से ही हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें फिनिशिंग कितनी ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल भी इसके अंदर कपड़ा नहीं मुड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं सिलाई लगा के आपको अभी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये दिखाई देगा। तो देखिए इस तरीके से बस हमें हल्का हल्का सा फोल्ड करना है, जो हमने एक बार सिलाई लगाई उसी को हम फोल्ड कर रहे हैं और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो एक तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है, अब दूसरे हिस्से पर हम दूसरी तरफ पलट के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो है अच्छी तरह से सिलाई इसमें लगा दी, आप देख सकते हैं मैंने अभी इसे प्रेस नहीं किया है। इसके बाद ये स्ट्रिप हम लेंगे और दोनों तरफ हम इसे इस तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इसे हम अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो इस स्ट्रिप को हम अटैच करने के लिए यहाँ पे डबल करेंगे ताकि ये निकले नहीं, दोनों तरफ से हम डबल सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए स्ट्रिप इसमें अटैच कर दी और आप सिलाई देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसके अंदर सिलाई लगाई है और दोनों का हिस्सा नीचे की तरफ रखा है। इसमें आपको खासकर ध्यान रखना है जब आप नोज़ पीस सिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी नोज़ पीस बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे मैं आपको जो है वो अलग से दिखा देती हूँ कि हमने बीच में यहाँ पे सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाई है। तो आप देख सकते हैं हमारी नोज़ पीस एकदम रेडी हो चुकी है। आप सेम ऐसी नोज़ पीस जो है वो ब्लैक में भी बना सकते हैं, रेगुलर यूज़ के लिए भी बहुत ही कम्फर्टेबल रहती है। तो यहाँ बीच में सिलाई बिल्कुल नहीं आई है। इसके बाद हम हमारा हिजाब ले लेंगे। अब इसके अंदर जो इसकी साड़ी किनारी है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इसमें हम डायरेक्ट जो है एक साथ में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट ही हमें सिलाई लगानी होती है। बस इसका ध्यान रखना है कि हमें ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं फोल्ड करना है।
हल्का सा पतला ही हम डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इस पर लगा देंगे। दुपट्टे के चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, तो हमारा हिजाब जो है यहाँ पे रेडी है। इसके अंदर हमें जो है फोरहेड की पट्टी जो हमने कट करके रखी है वो हम अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है यहाँ पे इस फोरहेड की पट्टी को रेडी करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारी इस पट्टी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है पलट के जो इसकी रॉन्ग साइड है यानी उल्टी साइड है यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। पहले हम इसे जो है बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पिन लगा दी ताकि ये बिल्कुल नहीं हिले। इसके बाद में हम इसके अंदर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए हमें जो है साइड वाली जो स्ट्रिप है उसके अंदर ही सिलाई लगानी है, यानी एक तरफ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ख़त्म करेंगे। उसके बाद में हम दूसरी स्ट्रिप में भी सेम इसी तरीके से करेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे। उसके बाद में इसे हम टर्न करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ सिल के किस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बस एक पैर की सिलाई की दूरी जितनी हम दूरी रखेंगे उसके बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, और भी मैंने हिजाब की वीडियोस अपलोड की है, बहुत सारी हिजाब इनर कैप की अलग अलग डिज़ाइंस की वीडियो जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट है पूरी अबाया की, हिजाब इनर कैप की, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नया नया अबाया और हिजाब कैप सीखने का शौक़ है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और मेरी वीडियो से तो बहुत ही आसानी से आप बनाना सीख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें हल्का सा कट लगाएंगे और इसे टर्न कर देंगे। तो इसे बहुत ही आसानी से हम टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है कॉर्नर पे। इसके बाद में इसे हम अब पलट देंगे। तो एक स्ट्रिप को देखिए यहाँ पे मैंने टर्न कर दिया है, दूसरी स्ट्रिप को भी हम टर्न कर देंगे। तो ये इतना चौड़ा है कि आप हाथ से इसे इस तरीके से टर्न कर सकते हैं। बस इसका जो पॉइंट है वो किसी नुकीली चीज़ से आपको निकालना होगा, और यहाँ पर भी आप चाहें तो इसकी किनारी पर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद में हम इसे प्रेस कर लेंगे। उसके बाद में ये जो बीच वाला हिस्सा हमने खुला छोड़ा है यहाँ पे हमें जो हिजाब को अंदर डाल के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिप हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से हमें पहले रेडी करके रख लेना है। इसके बाद में हमें जो है इसे अटैच करना है। तो मैंने ये अपना हिजाब ले लिया है, इसका ये सीधा हिस्सा है, और सीधे हिस्से पर ही हमें जो है कहाँ से लगाना है आप पहले देख लीजिए। यहाँ से हम 23 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे 23 इंच पे निशान लगाने के बाद में हमें जो है यहाँ पे 6 इंच एक तरफ और दूसरी तरफ 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे, यानी टोटल हमें 12 इंच यहाँ पे लेना होगा। जो बीच वाला हिस्सा रहेगा यानी हमारी फोरहेड का, यहाँ पे फोरहेड स्ट्रिप में हम सेंटर पे बिल्कुल मार्क करेंगे, और इस हिस्से से हमें जो है हमारे हिजाब में इस पट्टी को अटैच करना है। तो इस पट्टी को जो है आप दो तरीके से अटैच कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी फोल्ड करके एक साथ में इसे दुपट्टे के नीचे रख के भी अटैच कर सकते हैं, या फिर इसमें दुपट्टे को बिल्कुल बीच में रख के एक सिलाई एक साथ में मार दें, या फिर एक हिस्से पे पहले सिलाई लगाएं उसके बाद में दूसरे हिस्से पे सिलाई लगाएं। तो आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटर पार्ट को जो है आपस में जॉइंट करेंगे, यानी एक हिस्से को हम यहाँ पर रख के इसमें पिन लगा देंगे। यहीं पर हमें जो है एक सिलाई लगानी है पहले। तो सबसे पहले जिसमें मैंने पिन लगाया है यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने जो है इसमें बिल्कुल बीच में से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है, और मैंने जो है प्लेटेड अबाया की वीडियो अपलोड की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो है सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट किया, एक तरफ गए, फिर दोबारा से हम जो है इसे टर्न करके यहाँ सेंटर पर आएँगे। तो इस तरीके से अगर जो है हम इस पट्टी को अटैच करेंगे तो हमारी पट्टी जो है वो बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ इसमें अटैच हो जाती है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे देखिए पोटली नेक डिज़ाइन की वीडियो भी अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की, आप लोग ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इसे पक्का करके धागा तोड़ देंगे। तो हमने फोरहेड स्ट्रिप को देखिए यहाँ पर से एक तरफ से जॉइंट कर लिया है, और हमने जो है पीछे वाले हिस्से से जॉइंट किया है। अब ये हमारा जो है ऊपर का हिस्सा है, यानी हमारे हिजाब का ऊपर वाला सीधा वाला हिस्सा है। यहाँ पे हमें जो है दुपट्टे की किनारी को अंदर की तरफ कर देना है बहुत ही सफाई से। इसे हम अंदर करेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारी पर से इसे हम यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, और दुपट्टे का हिस्सा जो है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
मैंने बहुत सारी जो है हिजाब की वीडियो अपलोड की है, बेबी हिजाब की वीडियो भी अपलोड की है, उसके अंदर ही मैंने माथा पट्टी किस तरीके से अटैच करना है वो मैंने आपको सिखाया है। दो तीन तरीके से मैंने अलग अलग जो है तरीके से इसमें माथा पट्टी को अटैच करना सिखाया है, तो आप उस तरीके से भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है, तो हमारा यहाँ पर हिजाब बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसे यहाँ पर अटैच किया है। तो हमारा यहाँ पर हिजाब रेडी हो चुका है, मैं आपको इसे पूरा एक साथ में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नोज पीस को और हमारे हिजाब को और हमने जो फोरहेड की पट्टी स्ट्रिप के अंदर अटैच की है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना के रेडी किया है। और बहुत जल्दी जो है ये हिजाब बन के रेडी हो सकता है, किसी भी कलर में और किसी भी फैब्रिक पे आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं, और रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं इसे डमी पर आपको पहना के बता रही हूँ। सबसे पहले आपको डमी को जो है हिजाब कैप पहना लेना है, और हिजाब कैप की वीडियो भी जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसकी प्ले लिस्ट भी है। और इसे पहनने के लिए सबसे पहले हम नोज पीस को यहाँ पे टाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने नोज पीस को देखिए इस तरीके से टाई कर लेना है। इसके बाद में हमने जो हिजाब रेडी किया है वो हम इसके ऊपर से पहनेंगे। तो किस तरीके से पहनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी जो ये फोरहेड वाली पट्टी थी इसे हम सामने की तरफ रखेंगे, और दोनों जो स्ट्रिप है हमने यहाँ पर पीछे की तरफ टाई कर दिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल आपको टाई कर लेना है, और फिर इसका जो एक हिस्सा है यानी हमने जो छोटा वाला हिस्सा 23 इंच पे छोड़ने के बाद फोरहेड पट्टी को अटैच किया था उस हिस्से को हम नोज पीस के नीचे से लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो हमने पट्टी को देखिए इस तरीके से बांधा है इसके अंदर ही हम इसे डाल देंगे। तो ये अच्छी तरह से टाइट हो जाती है, आप चाहे तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस हिस्से को ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर जो दूसरा वाला इसका हिस्सा रहेगा इसे हम जो है यहाँ से घुमाते हुए लेके जाएंगे। आप चाहें तो नोज पीस के ऊपर से भी घुमा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सारा लुक है वो नोज पीस का ज़्यादा आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल नोज पीस तैयार की है। तो नोज पीस को ऊपर की तरफ रख के दुपट्टे को हमें इस तरीके से पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस डमी को पहना के बताया है, आप देख सकते हैं, और ये पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप लोग भी इस हिजाब को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने भी इसे जो है एक बार पहना, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे ट्राई किया है, बहुत ही आसानी से हम इसे पहन सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल ये पहनने के बाद में लगता है। और सेम हिजाब को जो है मेरी बेटी ने भी पहना है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से उसने इसे पहना है। पहले इसने जो है हिजाब कैप को पहन लिया है, उसके बाद में नोज पीस को देखिए इस तरीके से हम टाई करेंगे, उसके बाद में दुपट्टे को लेंगे, और दुपट्टे में भी से भी जो है ये बीच वाला हिस्सा हमारा जो फोरहेड पट्टी का है वो हम इसे इस तरीके से रखेंगे, और इसे हम पीछे की तरफ करके टाई करेंगे। तो हिजाब इनर कैप जो है मैंने बहुत अलग अलग तरीके से सिखाई है, तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपको बाहर से बिल्कुल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही कम कपड़े में जो है मैं हिजाब कैप बनाना सिखाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। तो यहाँ पर दुपट्टे को बस इस तरीके से आपको रैप कर लेना है अपने सर के ऊपर। तो आप इसे जिस तरह चाहें आराम से जो है दो तीन बार फोल्ड करके भी पिनअप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, और किसी भी कलर में आप इस हिजाब को बना के रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा ही पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरी अबाया की सारी वीडियोज़ को भी आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।